हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आइए शुरू करते हैं ये नई सीरीज क्रैश कोर्स ऑन दी एंशंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो आइए समझते हैं जरा इस कोर्स में हम क्या पढ़ने के वाले हैं। ओके, तो ये कुछ मेरे बारे में है। मैं पहले मर्चेंट नेवी था, IMU से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी करी, मेन्स या दोबारी, और फिलहाल मैं GS फैकल्टी हूँ। और अगर आप मेरी प्रोफाइल जानना देखना चाहते हैं तो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, प्लस एक NCERT क्लासिक समरी है, दिल्ली सल्तनत है। तो ये सारे कोर्सेज अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर देखिए। पहले आप ये कोर्स देख सकते हैं या बाद में वो देख सकते हैं, या पहले वो देखिए बाद में देखिए। ओके, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कोर्सेज को भी आपस में। ओके, तो अगर आपके देखे हुए होंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एंशंट हिस्ट्री का जो बेसिक्स है, ओके, जो पीछे की लेआउट स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा समझना है, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आपस में थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, तो जो अंडरस्टैंडिंग है एंशंट की, वो हमें थोड़ी सी डेवलप करनी है। तो जो बेसिकली जो बात मैं कहता हूँ कि जो लॉजिक है हिस्ट्री के पीछे, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, वो थोड़ी बातें अगर हमको पता है तो फिर हिस्ट्री हमारे लिए फैक्ट नहीं रह जाती, हिस्ट्री एक जीती जागती कहानी बन जाती है। तो वो चीज़ हमको थोड़ी सी क्रिएट करनी है। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, या स्टेट PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो इससे लॉजिक वगैरह से बहुत रिलेटेड आते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, ये मैंने NCERT क्लासिक्स में भी यूज़ करी थी। ओके, तो इस टाइमलाइन में क्या है कि पैलियोलिथिक एरा जो है वो 2 मिलियन से 10,000 ईयर्स तक है, मीजोलिथिक 10,000 से मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है, और नियोलिथिक 8,000 के आसपास, और उसके बाद जो है कॉपर मिल जाता है हमें, चाकोलिथिक एरा स्टार्ट होता है, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के 10 साल, फिर 3 साल क्या हुआ हमको नहीं पता, और फिर ऋग्वेदिक एरा के 5 साल, और फिर लेटर वैदिक एरा के 5 साल, फिर ये डेवलपमेंट होते हुए महाजनपद बनेंगे, मौर्यास आएंगे, ये 4 साल 200 से 200 जो है हमारे ऊपर फॉरेन रूल भी होगा, प्लस कुछ इंडियन रूलर्स भी होंगे। ओके, उसके बाद गुप्ताज, फिर हर्षवर्धन, और फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये सीक्वेंस हमको जो है, ये चैप्टर्स हमारे, ये सीक्वेंस हमको धीरे धीरे समझना है कि कैसे एक के बाद एक ये कैसे घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो लॉजिक के साथ ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली हमें अपना बना लेना है। ओके, तो ये हमारा बेसिक एम है। तो इस कोर्स में जैसा कि मैंने एंशिएंट का क्रैश कोर्स बनाया था, वैसा ही ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें हिस्ट्री में फेमस हैं, सिर्फ हम उन्हीं की बात करेंगे जो रेलेवेंट हैं, जिन पर सवाल आ सकता है, सिर्फ उनकी बात करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री स्टोरी है, तो उस स्टोरी को यहाँ भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वो पीछे का लॉजिक, पीछे का करेक्शन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा मैप्स एंड पिक्चर्स यूज़ करता हूँ। और लास्ट बात, ये क्रैश कोर्स है तो मैं थोड़ा सा प्रिसाइज रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश नहीं करूँगा। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जो आपने हमेशा सब कुछ सुना हुआ है वो सब कुछ इसमें होगा। ओके, तो यह प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस जब हम देखते हैं और उसके नोट्स हमारे पास नहीं होते तो रिविजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, ऑल दो ये मैंने सिर्फ जो है कम टाइम का वीडियो है, लेस देन 5 आवर्स का ये कोर्स है। ओके, तो जो है रिवाइज करना, आप इसे दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, मेन मोटिव इसका यही है कि आप रिवाइज कर सकें, बट स्टिल अगर आपको और कम टाइम में रिवाइज करना है तो आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। ओके, लास्ट बात, एक डिस्क्लेमर, मैं एंशिएंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। मैं बहुत सारी रिलीजियस बातें इस कोर्स में करने वाला हूँ। ओके, बहुत सारी स्टोरीज, थोड़ी बहुत माइथोलॉजी भी मैं इसमें कनेक्ट करूँगा। ओके, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो शायद उस माइथोलॉजी को आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, बट स्टिल आप उसे मान सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर आप हिंदू हैं तो हो सकता है वो मेरे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैच ना करें, तो प्लीज़ मैं आपकी कोई रिलीजियस फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी की भी कोई रिलीजियस फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता। जो फैक्ट्स हैं और जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में, वो मैं सामने रखता हूँ। आपको पसंद आए तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री। ओके, तो इस चीज़ के लिए अगर किसी को भी कुछ बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि बहुत खूबसूरत सी जर्नी होगी, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलने वाला है, जो आपकी एंशिएंट है, जो एंशिएंट का डर है, जो हमें लगता है कि इतनी पीछे की कहानी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे समझेंगे, वो सारा डर इस कोर्स के बाद आपका निकल जाएगा। ओके, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जर्नी पर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और जो है प्लीज़ इस कोर्स को कम्प्लीट करिए, इस कोर्स को देखिए और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं ये एक नई सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, और हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंशिएंट स्टोरी। तो ये एक स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है,
और डिड्यूस्ड किया है हम लोगों ने कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। ये स्टोरी मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है पूरी तरह से, डिड्यूस्ड है, हाइपोथेसिस मान सकते हो आप, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा चीज़ों को स्टार्टिंग को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो आपको बेसिकली कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी आपको मदद करने वाली है। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। सो दिस इज़ अबाउट मी। ओके, तो कहते हैं अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ लाइफ है, और अगर आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी पता है तो ये वो रीजन है जहाँ से इक्वेटर पास होता है, इस तरह से इक्वेटर पास हो रहा है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, घने जंगल, और यहाँ से शायद शायद जो जो है अगर हम मान लें कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही है तो एप्स निकल के कभी बाहर आ गए होंगे। बाहर निकलते हुए ये रीजन जो है, ये जो बाहर का रीजन है ये एक्चुअली ग्रासलैंड है, और बाहर निकल के इस ग्रासलैंड में आ गए होंगे। ठीक है, हुआ क्या होगा कि जब इस घास में आए होंगे तो सबसे पहली बात क्या हुई होगी, जब इस ग्रासलैंड में आए होंगे तो ये जो घासें हैं ये काफ़ी, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो मान लो सपोज़ जय हम एक जय बंदर हैं और हम घास के सामने खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो पेड़ नहीं है लटकने के लिए। ओके, तो हमारा ये हाथ फ्री है, और प्लस घासों के ऊपर देखना है आपको, घासों के ऊपर थोड़ा सा उचक के देखना होगा, नहीं पैरों पे थोड़ा सा हल्की सी हाइट बढ़ा के देखना होगा, तो आपके दोनों हाथ फ्री होंगे। जब दोनों हाथ फ्री होंगे तब आप कुछ करने के लिए फ्री होंगे, तब आपके दिमाग में खुराफातें आएंगी कि हाँ अब मेरे हाथ फ्री हैं, मैं इससे कुछ कर सकता हूँ, पत्थर उठा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, कुछ खा सकता हूँ। ओके, तो ये जो जो है बाईपेड, जो दोनों हाथ फ्री होने वाली बात है वो यहाँ ग्रासलैंड में पहली बार हमको रियलाइज़ होगी। ओके, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है, तो इन ग्रासलैंड्स में कभी कभी आग लग जाती है, इतना फ्रिक्शन होता है घासों में कि वो आग लग जाती है। तो पहली बार शायद शायद पहली बार फायर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा होगा। पहले तो हम कभी भागे होंगे, आग लगी होगी हम बहुत भागे होंगे, फिर धीरे धीरे भागते भागते वो डर डर जो है आग का वो ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, और यहीं पर इसी आग में अगर कोई जानवर फंस गया होगा तो वो पक गया होगा। ओके, और पहली बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा कि हाँ ये पका हुआ जानवर हम खा सकते हैं यार, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स गुड। ओके, तो कुक्ड मीट का कॉन्सेप्ट भी शायद यहीं से आया होगा। ओके, तो ये बात हो गई थोड़ा सा कि हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये कुक्ड मीट के बाद हमने सोचा होगा नहीं अच्छा हम मार के खुद भी तो पका सकते हैं। ओके, हम अगर किसी तरह फायर डेवलप कर लें, कभी कई हज़ार साल बाद फायर हमने डेवलप कर ली होगी, वो कुक्ड मीट वाला कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे अप्लाई किया होगा। ओके, तो इस तरह से क्या है कि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे हम थे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में गए होंगे, इधर उधर कुछ तो इधर चले गए होंगे। तो यहाँ तो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में तो बेचारे नहीं बचे होंगे, लेकिन कुछ यहाँ से निकल के इधर नदी किनारे ऊपर चलने लगे होंगे। तो ये जो नदी है, नील नदी, नाइल रिवर जो है, नील नदी ने इनको पूरा लाइफ सपोर्ट दिया होगा, यहाँ पे आसपास पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जानवर सब मिला होगा इन्हें, और ये सर्वाइव कर गए होंगे। और इस सर्वाइवल में उनको ये रियलाइज हो गया होगा कि हाँ अगर हमें जीना है तो पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी हमें हमारी जीने में मदद करेगा। ओके, इसी तरह करते करते वो यहाँ से कहीं क्रॉस भी कर गए होंगे, भाई यहाँ से तैरने की कोशिश करी होगी कुछ लोगों ने, लेकिन फिलहाल यहाँ से धीरे धीरे क्रॉस करके वो एशिया में भी चले गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है वो आगे। ओके, तो अफ्रीका से क्या है कि हम धीरे धीरे बाहर निकल गए। ओके, हमने ये बात कर ली कि हम जो है बाहर चले गए, और रिवर्स, जब रिवर्स हमने रियलाइज़ कर लिया कि रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बड़ी सिविलाइजेशन होगी, अभी बात करेंगे, जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन होंगी वो नदी किनारे ही होंगी, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे मेसोपोटामिया जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे है, चाहे वो इंडस रिवर वाली सिविलाइजेशन हो, और चाहे वो हुआंगो सिविलाइजेशन हो चाइना में। ओके, तो यहाँ से हम निकले और फिर हमने अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कुछ एक्सप्लोर करके चाइना चले गए, कुछ इंडिया में अंदर तक चले गए, विंध्या साउथ तक चले गए। ओके, कुछ इधर चले होंगे, कुछ वहीं पे बस गए होंगे, और ऐसे कई वेव ऑफ माइग्रेशन आई होगी, बहुत सारी वेव। ओके, सिविलाइजेशन होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कॉमन वेव आ रही है, जो लोग आके बस रहे हैं, ये कई सालों, कई हज़ार सालों तक कंटिन्यू रहेगा। पर जहाँ भी नदी है, जैसे टिग्रिस यूफ्रेट्स हो गए, ओके टिग्रिस यूफ्रेट्स हो गए, या इंडस हो गई, या हुआंगो हो गई, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी इस माइग्रेशन वेव के, ज़्यादा लोग ऐसी जगह रुकेंगे जो जगह ज़्यादा लोगों को सस्टेन कर सकती होगी। ओके, और यही कंसंट्रेशन बढ़ते 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 एक भी सिविलाइजेशन बनेगी। ओके, तो यही रीज़न है कि एक बड़ी सिविलाइजेशन नील पे, एक बड़ी सिविलाइजेशन टिग्रिस यूफ्रेट्स पे, एक बड़ी सिविलाइजेशन इंडस पे, और एक बड़ी सिविलाइजेशन हुआंगो रिवर पे आ जाएगी। ओके, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि अब तक लोगों को जो जगह मिली वो नर्मदा किनारे, नदी नर्मदा किनारे, या फिर जो है इंडस रिवर सिस्टम। ओके, तो इस जगह रहने लगेंगे और हंटिंग गैदरिंग ये सब स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लस एक और चीज़ अब तक के लोगों को पसंद आएगी, पहाड़ों पे रहना, सुलेमान पे, किरथार पे। ओके, ये पहाड़ों पे क्यों रह रहे हैं,
क्योंकि इनकी दोस्ती पत्थरों से होगी, पर पत्थरों की दोस्ती की बात हम अगले लेसन में करेंगे, अभी बात कर रहे हैं नदी की। तो पहला जो डेवलप होगा सिस्टम वो इंडस सिस्टम होगा, पहली सिविलाइजेशन, यहाँ पे बहुत सारे शहर बनेंगे, ओके। बट यही सिस्टम बाद में गंगा पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये सिस्टम, ये जो बेसिकली जगह है, ये बहुत रिचली पॉपुलेटेड हो जाएगी और कल्चरली बढ़ने लगेगी, ओके। तो यहाँ से जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे कुछ बाढ़ आ गई हो तो भागना पड़ा हो, ओके। जैसे आपने मोहन जोदड़ो में जोदाड़ों में देखा होगा कि बाढ़ आ गई थी तो वो छोड़ के गंगा की तरफ आ गए थे। ट्रेड के चक्कर में कुछ लोग इधर उधर जाएंगे, धर्म के प्रचार में या धर्म की वजह से लोगों को जाना पड़ेगा। कुछ लोग शौक में घूमने फिरने एडवेंचर के लिए जा सकते हैं, लाइवलीहुड जॉब पाने के लिए, या फिर लड़ाई के चक्कर में किसी पे अटैक करने के लिए भी माइग्रेशन हो सकता है। तो रीज़न धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो हो सकता है सिर्फ रिसोर्सेज के चक्कर में, खाने के चक्कर में, कोई जानवर हमें शायद उधर ज़्यादा मिल जाए, इस चक्कर में जो है लोग घूम रहे थे, पर बाद में रीजन्स डेवलप होने लगेंगे कि इन इन रीज़न से हम घूम सकते हैं। तो होगा क्या कि ये जितनी माइग्रेशन होता जाएगा उतना कल्चर और पीछे वाली माइग्रेट वेव आएगी और डेवलप्ड होगी और इनहांस होगी और कल्चर धीरे धीरे एनरिच होने लगेगा। तीन बातें करते हैं। पहली बात ये कि इंडिया और भारत क्या है, इंडिया वर्सेस भारत। तो इंडिया, इंडिया क्या है कि जो इंडस किनारे जो लोग रहते हैं, दैट इज इंडिया, ओके। इंडस को संस्कृत में कहते थे सिंधु, बट जो ईरानियन और ग्रीक थे वो उसे सिंधु बुला नहीं पाते थे, तो दे कॉल्ड इट हिंद या फिर इंडस, इसका तरह का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन था, इसीलिए वहां से टर्म निकल के आया इंडिया। भारत, भारत, भारत एक्चुअली एक ट्राइब है जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो लोग नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं इंडिया में, ठीक है, संस्कृत में ऐसा लिखा गया है, वो लोग भारत ट्राइब को बिलोंग करते हैं और इसीलिए जगह का नाम भारत है। तो ये जो यह डेट इस भारत के लिए दी गई है वो लगभग 3500 साल पुरानी, ओके। दूसरी बात करते हैं, क्लूज ऑफ पास्ट, हमें कहाँ से सारी बातें पता चल रही हैं। तो पहली बात तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट लोग लिख के गए हैं, उससे पढ़ के हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे लोगों ने पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा है। फिर न्यूमिस्मैटिक्स हो सकता है, कॉइन्स, उस समय के सिक्कों को पढ़ के कि सिक्कों में किस तरह की क्रेविंग है, कौन सा मेटल यूज़ हुआ है, जो है कितना बड़ा सिक्का यूज़ हुआ है, क्योंकि जितना बड़ा भारी सिक्का होगा उतनी ज़्यादा प्रॉस्पर उसकी उस टाइम का जो है सिविलाइजेशन होगा। तो कॉइन से भी बहुत कुछ बता सकते हैं। प्लस बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स खोद के निकाले गए हैं, जैसे कोई टूल मिल गया उस समय का, पत्थर का हुआ तो क्या होगा, लोहे का हुआ तो क्या होगा, ओके। उस समय के बर्तन, उस समय के औजार, उस समय के ऑर्नामेंट्स, ये गहने उस समय किस तरह पहने जा रहे हैं, ओके। कॉइन्स की हम बात कर चुके, बोन यूज़ हो रही या बोन भी कौन से जानवर की यूज़ हो रही है, इन सब बातों को मिला जुला के हमने उस समय की कहानी गढ़ी है कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा। इवन बिल्डिंग मटेरियल बहुत कुछ कह रहे हैं कि जो चीज़ बनाई गई है वो क्ले की है या बोन की है या मेटल की है। फिर पेंटिंग या स्कल्पचर अगर हमें कुछ मिल जाए तो भाई बहुत ही सोने पे सुहागा कि पेंटिंग से हम कुछ कल्चर के बारे में बता दें, स्कल्पचर से कुछ उस समय के टाइम के बारे में बता दें। तीसरी बात करनी है डेट्स की। जैसे 2016 हम कहते हैं तो ये एक्चुअली जिस जो टाइम था जीसस की बर्थ का, तब से 2016 साल बीत चुके हैं। और BC जब हम लिखते हैं तो BC इज़ बिफोर क्राइस्ट, AD इज़ एनो डोमिनो, यानी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो उस टाइम से जिस साल जीसस की बर्थ हुई उस टाइम के बाद का टाइम AD है और उस टाइम के पहले का टाइम BC। अब ये AD और BC दोनों ही रिलीजियस टर्म्स हो गए, थोड़ा धर्म आ गया बीच में। तो अगर थोड़ी सेकुलर बात करनी है तो अगर हम जब लिखते हैं CE तो CE इज़ जो है AD की जगह हम CE यूज़ कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ कॉमन एरा, और BC यूज़ कर सकते हैं BC की जगह, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें क्या होगा, रिलीजियस जो टच है वो थोड़ा जा सकता है। तीन इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी बात ये टाइमलाइन, अगर आपने NCERT कोर्स पढ़ा हुआ है तो ये टाइमलाइन मैं सेम टाइमलाइन यूज़ कर रहा हूँ, ओके। नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, डजेंट मैटर्स, ओके। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश NCERT एंशियंट पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ वाला कोर्स भी पढ़ लें, आपको काफ़ी अच्छा बेस मिल जाएगा एंशियंट के लिए, ओके। तो टाइमलाइन थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि ये 2 मिलियन साल पहले, एक्चुअली 2 मिलियन साल पहले पेलियोलिथिक स्टार्ट नहीं हुआ था, बट स्टिल अपनी रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि ये पहले पेलियोलिथिक कह रहा था। फिर लगभग 10,000 के आसपास मीजोलिथिक स्टार्ट होता है, 8,000 के आसपास नियोलिथिक, फिर यहाँ पे थोड़ा कॉपर आ जाएगा, चाकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी 2800 BC के आसपास, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1000 साल इंडस वैली सिविलाइजेशन चलेगी, जिसमें हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगन होगा, धोलावीरा होगा। थोड़ी इनके बारे में बात करेंगे, वहाँ पे क्या खास बात थी, ऐसी हम बातें करेंगे बाद में थर्ड चैप्टर में। बट अभी ये समझ लेते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम था। 1800 के बाद 300 साल का हमें कुछ अता पता नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ गायब हो गई, उन लोगों का क्या हुआ, वो कल्चर कहाँ गया, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। वो स्क्रिप्ट इवन कहाँ चली गई हमको नहीं पता। 300 साल बिल्कुल ब्लैंक है, हमें कोई आइडिया नहीं इसका। और उसके बाद एकदम से जब हम देखते हैं तो ये ऋग्वेदिक काल है, 1500 से 1000 का, जिसमें सिर्फ एक किताब लिखी गई है जो है ऋग्वेद, जिसमें वापस लोग जो है
पेस्ट्रोलिस्ट हो चुके हैं, चरवाहे हो चुके हैं, वापस यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ट्रेडिंग हुआ करती थी, ईरान से सामान आया करता था, यहाँ पे वापस गाय भैंस चरा रहे हैं लोग। तो सिविलाइजेशन में 3 स्टेप बैकवर्ड्स है ऋग्वेद। तो जो है ये क्यों हुआ हमको नहीं पता, बट स्टिल हुआ और तब से ये कंटिन्यूटी है, कहीं ब्रेक नहीं हुई है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। और यहाँ से हमको काफ़ी हद तक हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी कि इस साल ये हुआ होगा, उस साल वो हुआ होगा। इसके बाद लेटर वेदिक एरा 500 साल का है, जिसमें और भी बाकी वेद, तीनों वेद लिखे गए हैं, और भी किताबें लिखी गई हैं, और डेवलपमेंट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, कल्चर में। और यहाँ पे यहाँ के डेवलपमेंट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे राजा महाराजाओं का टाइम आ जाएगा, पहले जनपद बनेंगे और फिर महाजनपद, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनेंगे। बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के बाद जो सबसे बड़ी डायनेस्टी आएगी वो होगी मौर्यास। मौर्यास जब मौर्यास का अंत होगा तो उसके बाद एक मर्केंटाइल एज आएगी 400 साल की, 200 BC से 200 AD, जिसमें जो है बहुत सारे फॉरेन रूलर्स आएंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम पे रूल करेंगे। इसके बाद गुप्ताज आएंगे, उन फॉरेन रूलर्स का राज्य खत्म होगा और फिर से हमारा एक गोल्डन एरा जो कहा जाता है, जिस गुप्ता इज द गोल्डन एरा, हम जिस टाइम में कहते हैं कि जो है भारत सोने की चिड़िया है, ये वो है। कल्चरली भी बहुत रिचमेंट होगी उस समय और जो है वैसे भी बहुत पैसा होगा। इसके बाद हर्षवर्धन आएंगे, हर्षवर्धन के बाद प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है इस्लाम को लेकर आएंगे, एक नई एनर्जी स्पेशली सेंट्रल एशिया में एक नया बूम आएगा। ओके, तो इस टाइम के बाद हमारी मिडिवल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये फिलहाल हमारा टाइम फ्रेम है, हमको यहाँ तक जानना है एंशंट हिस्ट्री में। ओके, तो इसके पहले कि हम इस चैप्टर को एंड करें, एक और बेसिक बात है जो मैं एक बार बता रहा हूँ और इसको जो है मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसीलिए अभी ठीक से इसको बहुत ध्यान से सुन लो। तो इनिशियली क्या रहा होगा, जब हम बिल्कुल अपनी सोसाइटी के एवोल्यूशन के इनिशियल स्टेज में होंगे, जब हम पूरी तरह वेजिटेरियन थे, हमने कभी मीट चख के नहीं देखा था, उस समय क्या था कि हम पेड़ों पौधों से ये फ्रूट्स तोड़ तोड़ के खा रहे थे, फूड को गैदर करते थे और खाते थे। तो इनिशियली हम फूड गैदरर थे, बट कभी वही आग हमें मिली, कभी हमने वो जानवर खा के देखा और हमें रियलाइज़ हुआ कि ये भी तो फूड है, बेटर फूड है, प्रोटीन ज़्यादा है इसमें। ओके, तो हम यहाँ से हंटर बने, हमने हंटिंग और फिशिंग स्टार्ट करी, जानवरों को मार के खाना स्टार्ट किया हमने। तो हंटिंग के लिए हमने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी, इतना आसान नहीं शिकारी बनना, जानवर मारना इतना आसान नहीं था। तो ये हंटिंग एक प्रोसेस था जिसमें हमने तरह तरह की चीज़ें सीखी होंगी, बहुत चीज़ों में इम्प्रोवाइज़ किया होगा और हम एक अच्छे हंटर बने होंगे। बट धीरे धीरे हमको रियलाइज़ होगा कि कुछ जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं, हम मारने गए होंगे वो भागे नहीं होंगे। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इनको तो बांध के ले चलो, जिस दिन भूख लगेगी उस दिन खा लेंगे मार के, है ना। तो हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया होगा, इसी बीच डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बीच ही हमें रियलाइज़ हुआ होगा कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनके बीज जो हम कभी फ्रूट खा के फेंक देते हैं, वो फ्रूट दोबारा पेड़ लग जाता है। कई इस इतने हजारों सालों में कभी तो ऑब्जर्व कर लिया होगा और फिर रियलाइज़ हुआ होगा कि ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बीजों को अगर हम रख लें तो हम इन बीजों से नए नए पेड़ उगा सकते हैं। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ एक छोटे स्केल पर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी स्टार्ट हुआ होगा। और इस डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स में धीरे धीरे हमने इम्प्रोवाइज़ करते करते एग्रीकल्चर लेकर आए होंगे। तो एग्रीकल्चर साथ में जानवर हर्डिंग, ये सब भी हम चरवाहे भी साथ में जानवर भी रख रहे हैं, डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं, डॉग भी पाल रहे हैं और प्लस एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बट अब तक क्या था कि जब तक हम हंटिंग करते थे तब तक हम जहाँ तक शिकार किया वहाँ तक रुके, फिर अगली रात उसके आगे शिकार ढूंढने निकल गए, तो कभी हमें घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट खेती करने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि इस खेती की देखरेख करनी पड़ेगी और इस खेती की देखरेख करने के लिए हमको घर की ज़रूरत पड़ेगी, हमको घरों में रहना पड़ेगा और पहली बार सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट होगी। तो एग्रीकल्चर जन्म देगा सेडेंटरी लिविंग को, एक जगह रुक कर लोग रहने लगेंगे, गांव बसने लगेंगे। पहले कभी गांव बसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहले को जंगल में कहीं पेड़ पे सो जाते थे, 4-5 लोग आग जला लिया काम हो गया। लेकिन अब क्या था कि उनको हट्स की ज़रूरत पड़ रही थी, उनको घरों की ज़रूरत पड़ रही थी। ओके, इसी तरह यही लोग रहते रहते कभी खाली टाइम हुआ तो कुछ बना लिया, मिट्टी से बनाना कुछ स्टार्ट किया और करते करते कुछ मेटल मिला और मेटल से बनाना स्टार्ट किया और आर्ट स्टार्ट हुई। आर्ट आई तो दूसरी जगह बेचना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो प्रॉस्पैरिटी आई, प्रॉस्पैरिटी की वजह से नई नई सिविलाइजेशन, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनी। तो ये साइकिल है हमारी जो है ग्रोथ की, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की। तो इस बात को कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा सिविलाइजेशन की बात ना करते हुए, वो जो पत्थरों से दोस्ती है, जो गीत गाते हैं पत्थर, उनकी थोड़ी बात करेंगे अगले सेशन में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एंशिएंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने सच्चे दोस्त स्टोन्स के बारे में। ओके, तो दिस इज अबाउट मी।
ओके तो हमारा टाइम फ्रेम जो है अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाला टाइम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, उसके पहले के टाइम में हम कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं ये थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो जो आर्मी जो अपियर हुआ है आया है वो लगभग प्लीस्टोसीन एज ही आप रख सकते हो, प्लीस्टोसीन एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, अगर आपको जोग्राफी की नॉलेज है तो प्लीस्टोसीन आप समझ सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। 2 मिलियन ईयर्स 2 मिलियन ईयर्स पहले जो है आदमी अपियर हुआ होता है, और जो है जब वो इस टाइम आया होगा ठीक है तो जंगल ही जंगल होंगे एक बात, दूसरी बात कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसकी मदद कर पाती। सपोज अगर कभी उसे किसी जंगली जानवर ने दौड़ा दिया तो उनमें से कई लोग तो दौड़े होंगे, बहुत जी जान लगा के दौड़े होंगे बट जीत नहीं पाए होंगे, तो वो जो है बच नहीं पाए होंगे। बट कभी किसी के दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि ये जो पत्थर ज़मीन पे पड़ा हुआ है अगर ये उठा के मैं उस जानवर को मार दूँ तो वो भाग सकता है, मैं अपनी अपनी अपना बचाव कर सकता हूँ, क्योंकि पत्थर ही उस टाइम में ऐसी चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग है, हार्डी है, जिसको यूज़ किया जा सकता है अपने बचाव में, बचाव में या और भी किसी चीज़ में अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत हो तो पत्थर के अलावा कुछ भी स्ट्रॉन्ग ऐसा छा ही नहीं। तो पत्थर ही दुनिया में है जो इंसान का दोस्त है अभी के टाइम में, ओके इस जिस टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर एक ऐसा दोस्त है जो इंसान की मदद करने वाला है, और यही रीज़न है कि हम इस एज को पूरे को लिथिक एज, लिथ मतलब रॉक, रॉक मतलब पत्थर, ओके तो पत्थर पाषाण काल जो है वो इसलिए पाषाण काल है कि पत्थरों के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को सर्वाइव करने में हेल्प करे। ओके तो बात करते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पत्थरों पत्थर ढूंढे और पत्थरों से बहुत कुछ डिड्यूस किया है, तो उनके जो टूल्स थे जो वो या तो लकड़ी के रहे होंगे या स्टोन्स के रहे होंगे या बोन्स के रहे होंगे, उस समय यही अवेलेबल था, तो इन सारे टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे मीट को काटने में, जो है पेड़ से छाल निकालने में, या फिर जो स्किन है स्किन स्किन को जो है काटने में, या खुदाई उदाई करने में, ओके तो इन सब चीज़ों का पत्थरों में इस्तेमाल था, जो धीरे धीरे डेवलप किया होगा, पहले तो सिर्फ उठा के मारने का काम किया होगा बट धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होगा कि ये सारे काम भी हम इन पत्थरों से कर सकते हैं। ओके बाद में इवन उसमें हैंडल लगा के उसका भाला बनाया जा सकता है, उसका तीर बनाया जा सकता है। ओके तो ये हमको जो है उनके इम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि हाँ पत्थरों को थोड़ा सा, पहले तो उन्होंने नुकीला करके, यही आइडिया हो गया कि किसी तरह नुकीला करके कहीं छेद किया जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है, बट धीरे धीरे उसमें इनोवेट किया होगा, नए नए तरह के टूल्स बनाना स्टार्ट किया होगा, तो वो जितना इनोवेशन के हिसाब से हमने टाइम काटा हुआ है कि हाँ पेलियोलिथिक जो है, पेलियोलिथिक में जो है बिल्कुल क्रूड टाइप ऑफ स्टोन्स हैं, मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का यूज़ किया, यानी थोड़ा सा जो फॉर्म यूज़ कर रहे थे उससे बहुत डिफरेंट, और जब नियोलिथिक की बात करेंगे तो उसमें पॉलिश स्टोन्स की बात करेंगे। ओके तो वो थोड़ा सा आगे बात करते हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर लेते हैं, जो 2 मिलियन से 10,000 BC तक का जो टाइम है ये पेलियोलिथिक है, 99% ऑफ टाइम यही है, जिसमें बिल्कुल क्रूड स्टोन्स, कोई बहुत ज़्यादा जो है इसमें खिलवाड़ नहीं किया है, थोड़ा सा कोना बना दिया, शार्प बना दिया और उसको यूज़ कर दिया। फिर 10,000 BC, अच्छा बहुत ज़्यादा डिमार्केटेड नहीं है 10,000 BC, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल मान लेते हैं कि 10,000 BC हम अपनी पढ़ाई के लिए 10,000 BC से मीजोलिथिक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें माइक्रोलिथ मिले हैं, माइक्रोलिथ में हैंडल वैंडल लगा के इसको एज अ सॉ, एज अ सिकल, अभी क्रूड फॉर्म में यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, बट यहाँ पे एज अ सॉ, एज अ सिकल यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ में थोड़ा सा चेंज आया है, स्टाइल में बदलाव आया है, इसीलिए इसको मीजोलिथिक कहा गया है। 8,000 BC के आसपास हमारा नियोलिथिक का मान लेते हैं स्टार्ट हुआ है, जिसमें पॉलिश करा गया। देखो आप भी सोचोगे अगर आपके पास कोई एक, मैं आपको वेपन दे दूं, सपोज मान लेते हैं खंजर आपको दे दिया जाए, तो आप खंजर जो है अगर वो आपका अपना वेपन है, 2-4 सालों में आपको उस खंजर से प्यार हो जाएगा। आपने कई सीरियल्स में देखा होगा, जैसे बाजीराव है, तो बाजीराव अपनी तलवार को जो है शाइन करता रहता है ना, चमकाता रहता है, साफ करता रहता है, क्योंकि वो उसका वेपन है, तो उसे अपने वेपन से प्यार हो जाता है। तो वैसे ही ये जो नियोलिथिक एज में जो टूल्स हैं बहुत पॉलिश किए गए, चमकाए गए, क्योंकि बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, प्लस उनका अपना वेपन, तो वो इतनी मोहब्बत है उससे कि उसको चमका के, हाँ ये मेरा मेरा सिंबल है या मेरा साइन है, इस तरह से थोड़ा सा यूज़ है, तो वो नियोलिथिक है। चाकोलिथिक स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 3500 BC से, जिसमें कॉपर की एंट्री हो चुकी है, लोग कॉपर को जान गए हैं, तो वो चाकोलिथिक एज है। ओके तो पैलियोलिथिक की स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक जो है लगभग 5 लाख साल से पहले से स्टार्ट होता है, और ऑलमोस्ट 10,000 BC, जैसे मैंने कहा 5 लाख से 10,000 BC तक का जो टाइम है वो उसे पैलियोलिथिक कहा गया है। तो उसमें जो है उतना परफेक्ट शेप नहीं दिया गया, ना उसकी बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग करी गई है, और जो उस समय लोग थे वो नोमैड्स थे, ना कोई रहने की जगह, बस इधर से उधर घूमते रहो बंजारे टाइप के। ओके और मेन जो एक्टिविटी, मेन जो उनका काम था वो फूड गैदरिंग और हंटिंग। ओके एग्रीकल्चर तो भूल ही जाओ, उस समय एग्रीकल्चर का किसी को आइडिया भी रहा होगा,
मेन क्या है कि जो भी पेड़ पौधों पे लगा हुआ है या हंटिंग करके किसी तरह हमने निकाल लिया। ओके, तो ये जो है इंडिया में ये जो है पूरा सेटल थे, इंडिया में जो है साउथ तक भी जो है थोड़ा बहुत साउथ तक भी इनकी वो मिलती है, प्लस फायर इस टाइम वो ढूंढ चुके थे। तो इंपॉर्टेंट साइट अगर इंडिया में तुम देखो तो भीम बेट का यानी जो है काफ़ी बीच तक आ चुके हैं, आदमगढ़, पल्लावरम, चेन्नई में, देन हाथनोरा इन नर्मदा वैली। स्पेशली भीम बेट का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, भीम बेट का अगर आप नहीं जानते तो भीम बेट का ज़रूर समझ लें। तो ये पैलियोलिथिक एज भी तीन पार्ट में बांटी गई है, एक है लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख से 50 हज़ार, एक है मिडिल पैलियोलिथिक 50 हज़ार से 40 हज़ार, और एक है अपर पैलियोलिथिक 40 हज़ार से 10 हज़ार, डिपेंडिंग अपॉन द टूल। अगर सिंपल पेबल और कोर टूल यूज़ कर रहे हैं, जो हैंड एक्सिंग और चॉपिंग टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो लोअर पैलियोलिथिक। अगर फ्लेक्स निकाल दिए, थोड़े से फ्लेक्स उसमें निकालने शुरू किए हमने, है ना, चिपिंग थोड़ी सी स्टार्ट करी, मतलब ऊपर से पत्थर हटाना थोड़ा शुरू किया, तो वो है मिडिल पैलियोलिथिक। और अगर उसका ब्लेड बना दिया, ओके, जो काफ़ी बाद में उन्होंने सोचा होगा कि इसको शार्प करके ब्लेड बना सकते हैं, तो वो है अपर पैलियोलिथिक। इस पूरे ही टाइम में हंटिंग और गैदरिंग हुई है। इनकी साइट्स मैंने लिखी हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप इससे नोट्स बना सकते हो। ओके, तो बात करते हैं भीमबेटका की। तो भीमबेटका एक्चुअली भोपाल से जो है लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है भीमबेटका, तो एक हैबिटेशन साइट थी जहाँ पे लोग रहते भी थे। प्लस भीमबेटका में क्या है कि हमको पैलियोलिथिक पेंटिंग्स मिली हैं, उस टाइम की पेंटिंग मिली है, ये बहुत अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इन रॉक शेल्टर्स में जब वो लोग रहते होंगे या बाहर बहुत ठंड पड़ रही है या बहुत गर्मी पड़ रही है, इन डैट केस देवर बाउंड टू लिव इन साइड, अंदर रहने के लिए मजबूर होते थे, तो अंदर रहते वक्त तो टाइम पास कैसे करेंगे। तो इन डार्ट केस उन्हें जो है कुछ जो है कोई पिगमेंट ऐसा मिल गया या कुछ कलर मिल गया, तो वो रॉक के ऊपर उस समय पेंटिंग, तो वो पेंटिंग जो है अभी भी जिंदा है। तो उस पेंटिंग को पढ़कर देखो, आपसे अगर मैं कहूँ कि आप कुछ पेंट करो, ओके, तो आप वही पेंट करोगे जो आपने दुनिया में देखा होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं पेंट कर सकते। आप इमेजिनेशन भी वही कर सकते हो जो आपने कभी ना कभी सोचा हो या देखा हो, ओके, तो ये जो पेंटिंग है ये हमें उस टाइम के कल्चर के बारे में कि उस समय उन लोगों ने दुनिया में क्या क्या देखा हुआ था या ज़िंदगी का मकसद क्या था। ओके, अगर आपसे कहूँ कुछ लिखने को तो आप लिखोगे शायद IAS, SSC ऐसा कुछ, है ना, वो लिखेंगे जानवर मिल जाए किसी तरह, हंटिंग कर लें हम किसी तरह। ओके, तो जो भी इनके ख्वाब थे वो उस पेंटिंग में, कल्चर में ड्रॉ करते थे। ऐसे ही हमको और भी केव्स मिली हैं, हंस की हो गई, करनूल केव्स जहाँ पे लोग रहा करते थे। तो भीमबेटका की हम बात कर रहे हैं, तो भीमबेटका एक्चुअली अगर थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओके, VS वकानकर ने जो है 1957 में ही भीमबेटका साइट ढूंढी थी। ओके, तो यहाँ पे लगभग 500 पेंटेड रॉक शेल्टर मिले हैं, वो भी 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअली। 16 कलर्स मिले हैं, तो जो 16 कलर मिले हैं जाहिर सी बात है वो नेचुरल होंगे, एनिमल फैट हो गया, एग वाइट, इन सबको मिला जुला के किसी तरह जो है हमने ये कलर बनाए होंगे उस समय। ओके, बहुत अजीब सी बात है कि उस समय इंडिया में ऑस्ट्रिच भी हुआ करते थे। पटने महाराष्ट्र में एक साइट है, वहाँ पे हमको जो है ऑस्ट्रिच की शेल्स मिली हैं जिनके ऊपर डिज़ाइन करी गई है, उनको जो है शायद माला वगैरह में बना के पहना जाता होगा। ओके, तो ऑस्ट्रिचेस इंडिया में हुआ करते थे, ये बहुत अजीब सी बात है। तो हम बात कर रहे थे ये पैलियोलिथिक की, हमने बात कर ली है, कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, मीज़ोलिथिक में पहुँचते हैं, 10,000 BC से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री, और हम बात कर रहे थे स्टोन एज की। तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं, मीज़ोलिथिक की बात करते हैं, नियोलिथिक की बात करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। ओके, तो हम पैलियोलिथिक की बात ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, अब हमें स्टार्ट करना है मीज़ोलिथिक। ओके, तो मीज़ोलिथिक एक्चुअली मिडिल स्टोन एज है, तो नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच का जो टाइम है उसे मीज़ोलिथिक कहा गया है। ऐसा कोई एक्चुअल डिमार्केशन नहीं है, बट अपनी स्टडी के लिए हम थोड़ा सा डिमार्केट कर लेते हैं कि 10,000 से 8,000 का जो टाइम है वो मीज़ोलिथिक है। तो इसमें क्या है कि स्टोन की ड्रेसिंग पहली बार स्टार्ट करी गई। अब तक क्या था, बहुत क्रूड फॉर्म में हम स्टोन यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ी सी स्टोन की ड्रेसिंग स्टार्ट करी गई। और अभी जो स्टोन यूज़ हो रहे हैं मीज़ोलिथिक, बहुत छोटे छोटे स्टोन हैं, माइक्रोलिथ है। तो माइक्रोलिथ अगर किसी चीज़ से एसोसिएटेड है वो है मीज़ोलिथिक काल से। ओके, तो माइक्रोलिथ यूज़ हो रहा था। तो इसमें क्या है कि जो है माइक्रोलिथ जब यूज़ करने लगे तो उससे आप लेदर वर्क वगैरह करने में थोड़ा आसान हो गया, बास्केट वगैरह बनाने में, क्योंकि छोटा पत्थर है, छोटे पत्थर से आप थोड़ा प्रिसिशन वाला काम जो है ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। प्लस इस एरा यही वो टाइम है जब थोड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जो हमने पालना, जानवरों को पालना स्टार्ट किया, फिशिंग वगैरह, मछली मारना स्टार्ट किया, वो ये टाइम है। और इम्पॉर्टेंट साइट्स जो इससे रिलेटेड है जैसे बागौर है राजस्थान में, लंगांग है गुजरात में, भीमबेटका इसमें कंटिन्यू किया है भीमबेटका ने। ओके, पैलियोलिथिक में भी थी भीमबेटका और यहाँ भी भीमबेटका है, देन आदमगढ़। ओके, तो जो हम बात कर रहे हैं 10,000 BC,
10,000 BC में एक्चुअली जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है, थोड़ी सी जो है गर्मी स्टार्ट होती है। तो जब ये गर्मी स्टार्ट होती है तो फिर जो है ज़्यादा घासें होने लगती है, ज़्यादा घासें होने लगती हैं तो ज़्यादा जानवर, और ज़्यादा जानवर तो फिर ज़्यादा हंटिंग, ज़्यादा हंटिंग तो हम ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा जानवरों के साथ टाइम बिताओगे तो ज़्यादा उनके बारे में सीखोगे। जब ज़्यादा सीखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, जैसे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होगा। उसी तरह यह कभी टिग्रिस यूफ्रेट्स के किनारे, ऐसा कहा जाता है कि टिग्रिस यूफ्रेट्स के किनारे को जंगली घासें थी, जहाँ पर पहली बार हमको ये गेहूं, पहली बार जंगली गेहूं मिला। तो वो भी हमने कभी नोटिस किया हुआ होगा, खा के देखा होगा कि हाँ ये छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, अगर इन्हें खा के देखें तो अच्छा है, खाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा जो है स्टार्ट हुआ होगा, और वहाँ से धीरे धीरे आगे जाके कभी एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश होगा। ओके, तो ये वो टाइम था जब हम डोमेस्टिकेशन से थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे। बात करते हैं नियोलिथिक एज की, मिजोलिथिक के बाद। नियोलिथिक, नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज, एक नया एरा, नया समय। नए समय में क्या है, ये 8000 जो है BC के आसपास कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है। तो अब की क्या है कि स्टोन को पॉलिश करने लगे, जैसे मैंने कहा कि हमारे अपना औजार है, अपना हथियार है, इसको पॉलिश करके इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये वो टाइम है जब एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ। बट यहाँ सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं, बस उतना उतना उगाओ जितना खा सको। तो ये यहाँ से वीट, बार्ले, रागी, चना वना, ये सारी चीज़ें हम उगाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इससे रिलेटेड है, वो है मेहरगढ़। ओके, ये याद कर लो, मेहरगढ़ वो साइट है जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, न्योलिथिक एरा से एसोसिएटेड है। यही वो टाइम है जब वो पॉटरी, क्योंकि खाना खाने को मिलने लगा, खाना मिलने लगा तो लोग रहने लगे, और जब वो रहने लगे तो खाना स्टोर करने के लिए किसी जगह की ज़रूरत पड़ी। जब वो खाना स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए तो वो आर्ट डेवलप हुई, लोगों ने मिट्टी का कुछ बनाया, वो बर्तन बर्तन कुछ बन सके जिसमें चीज़ें स्टोर करी जा सकती थी। तो यहाँ से सबसे पहले पॉटरी स्टार्ट होती है। प्लस लोगों ने एक जगह जो है फ्लड प्लेन्स थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहाँ पर रहना स्टार्ट किया। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स, न्योलिथिक से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट साइट आप जानना चाहते हैं तो गुफ्रिकल हो गया, बुर्जा होम हो गया, चिरंद हो गया, कुलदीवा हो गया, पयम्पाल हो गया, और ये टूल्स आप देख रहे हो पॉलिश्ड टूल्स हैं, इसे पॉलिश किया गया है तो ड्रेसिंग करी गई है। तो ये न्योलिथिक का जो है कैरेक्टर है। तो न्योलिथिक की थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न साइड अगर हम देखें तो कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर की बात करें तो वहाँ ड्वेलिंग पिट्स है, गड्ढों में जो है रहा जाता रहा होगा, ठीक है। प्लस सिरेमिक्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का सिरेमिक्स हमको मिलता है वहाँ पे, बोरिंग टूल्स हमको मिले कि जिनसे जो है गड्ढा किया जा सकता हो, छेद किया जा सकता हो, और माइक्रोलिथ इस टाइम में नहीं मिला है। ओके, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक है उस समय का। ओके, बुर्जा होम जो हम बात कर रहे थे वो श्रीनगर के पास है, लेक साइड में लोग रहते थे गड्ढों में, और जो है हंटिंग वगैरह करते रहे होंगे, उस समय मछली अछली मारते होंगे। प्लस डोमेस्टिक डॉग्स जो जानवर होते थे, पालतू जानवर, उसको मास्टर के साथ दफना दिया जाता था, ठीक है। उसी तरह गुफ्रकल भी जो है ऐसी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पाला जाता था, ठीक है। प्लस न्योलिथिक लोग जो समय कम को मिले हैं वो ये हड्डियों के बने हुए औजार इस्तेमाल करते थे, ठीक। इसी तरह जो है चिरंद में भी वो जगह है जहाँ पे जो है बोन इम्प्लीमेंट्स हमको मिले हैं। ये और भी इंपॉर्टेंट साइट्स है, आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके, तो ये जो नियोलिथिक लोग हैं, नियोलिथिक लोग ये सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने खेती स्टार्ट करी है, रागी उगाना स्टार्ट किया है, चना वगैरह स्टार्ट किया है। और मेहरगढ़ की अगर बात करें तो खाली गेहूं नहीं, कॉटन और जो है मड, जो है मिट्टी के बने हुए ब्रिक हाउसेस बनाना स्टार्ट करे हैं मेहरगढ़ में। ओके, तो कल्टिवेशन, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे कल्टिवेशन बढ़ता गया तो वो पॉटरी वगैरह भी आना स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। और ये जो नियोलिथिक, क्योंकि एग्रीकल्चर से पहले का जो टाइम था वो जनरली पहाड़ों पे रहते थे, लेकिन अब ये जो टाइम है ये जो है थोड़ा फ्लड प्लेन में लोग उतर के आए हैं, थोड़ा जमीन पे उतर के आए हैं। ओके, बात करते हैं चाकोलिथिक एज, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक क्या था कि इंसानों के पास जो सबसे स्ट्रांग चीज थी वो थी पत्थर, बट मेटल मिलने के बाद कहानी काफी बदल जाती है। मेटल मिलने के बाद पहला मेटल जो इंसानों को मिल जाता है वो है कॉपर, ठीक है, कॉपर। तो ये जो टाइम है ये 3500 BC से 2500 BC, बहुत ही रफ एस्टिमेट है, ठीक है, ये 1000 साल बहुत रफ एस्टिमेट है, क्योंकि 2500 BC के से थोड़ा सा आसपास ही हमको ब्रोंज बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था, तो वो थोड़ा ब्रोंज एज का पार्ट बन जाता है। तो चाकोलिथिक जो है ये जो डिमार्केशन है, ऐसा सच डिमार्केशन कहीं मिलता नहीं है। ओके, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको आप समझ सकते हो। तो कॉपर जो है फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होने लगा। ओके, कॉपर से जो है वेपन बनाए जाने लगे, हथियार बनाए जाने लगे। ओके, पेंटेड पॉटरी वगैरह में भी जो है कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। तो चाकोलिथिक जो एज आई है,
ओके, चाकोलिथिक एज में जो है कह सकते हो कि मेटल आने की वजह से सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आए. ओके, मेटल आने के बाद ये जो है फॉरेस्ट वगैरह काटना थोड़ा सा आसान हो गया, जो जो है पेड़ पौधे थे उनको काट के एग्रीकल्चरल लैंड बनाना आसान हो गया. तो मेटल आने के बाद सिविलाइज करने के चांसेस ज़्यादा बन गए, सिविलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा बन गए. तो ये जो मेटल आया है, जैसा कि हमने कहा 3500 से 2500 BC, इस मेटल आने के बाद ही बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस स्टार्ट होती है, स्पेशली इंडस वैली की बात करें. ऑल्दो इसके पहले भी सिविलाइजेशन है या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, बट स्टिल अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो आप, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 2800 से 2600 वाला टाइम ही है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है. ओके, तो जैसा कि हमने कहा चाकोलिथिक एज जो है, अब स्टोन्स भी यूज होंगे, लिथिक भी है, ये लिथिक भी है और चाको भी है, कॉपर भी है और स्टोन भी है. ओके, फिर ये जो टाइम है धीरे धीरे हमने ब्रोंज की थोड़ा खोज कर ली होगी, लो ग्रेड ब्रोंज हमने बनाना स्टार्ट किया होगा. फिर ये इंपॉर्टेंट साइट्स है राजस्थान में हरगिलुंड, ओके बनास वैली जोन में, फिर वेस्टर्न पार्ट में मालवा, जैसे मालवा बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ के जो चाकोलिथिक सिरेमिक्स हैं वो बेस्ट है मालवा के. ओके, तो महाराष्ट्र की भी कुछ साइट्स है, जोरवे, निवासा, टैमाबाद, इवन सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ साइट्स मिली हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नियोलिथिक और चाकोलिथिक के बाद जो है धीरे धीरे लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट किया, सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट करी, अपने घर बनाना स्टार्ट किया. क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है कि उसका कुछ जेस्टेशन पीरियड है, आप क्रॉप उगाओगे तो थोड़े टाइम उसमें लगेगा कि वो बड़ी होगी, उसमें फल लगेंगे, आप उसे काटोगे, तो आप उस टाइम में उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हो. ओके, प्लस जो है उस क्रॉप में आपको पानी भी देना पड़ेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वीडिंग करनी पड़ेगी, है ना, कोई फालतू अगर पेड़ पौधा लगा है तो उसको हटाना भी पड़ेगा. तो अब आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो यहाँ से गांव बसने लगेंगे, लोग एक साथ रहने लगेंगे, गांव गांव बनना स्टार्ट होगा. ओके, तो जो इस समय के जो अर्ली फार्मर्स, जो शुरुआत के जो फार्मर्स और जो चरवाहे थे, वो जो हमको साइट्स मिली हैं कुछ कुछ, जैसे कि जैसे मैंने कहा बुरजाहोम हो गई, मेहरगढ़ हो गया, चिरंद हो गया, दाऊजली हेडिंग हो गया, पयमपल्ली हो गया, हलूर हो गया, महरगढ़ हो गया. ओके, तो ये वाली साइट्स जो है वो जगह हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग वाली जो फार्मर्स ने रहना स्टार्ट किया था, फार्मर्स जहाँ पे रहते थे वो साइट्स हमको मिली. ओके, यही एक और बात समझते हैं कि जो है जैसा कि हमने कहा कि पॉटरी अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप खाना उगा रहे हैं तो खाली उतना नहीं उगाएंगे जितना आज ही खा लो, कल भी खाना है, उसे महीने भर खाना है. ओके, एक बार क्रॉप उगाई तो उसको रखने की समस्या होगी. ठीक है, जो आप प्लांट उगा रहे हो तो ग्रेन्स आपको रखना है, क्योंकि उसको दोबारा उगाना भी है और खाना भी है. तो यहाँ से आप क्या करोगे, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ मिट्टी का बनाओगे, पॉटरी बनेगी, उसमें कुछ बुन के भी कुछ बना सकते हो, प्लस हो सकता है खुदाई करके जो है खाना रखने की कोशिश करो. और दूसरी तरफ फूड स्टोरेज में एनिमल्स तो ऑलरेडी एक फूड स्टोरेज का ही काम कर रहे हो, उसे दूध भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, और वो अपने आप में स्टोरेज है, जिस दिन जो है जरूरत होगी उस दिन उसे काटा जा सकता है, खाया जा सकता है. ओके, नो ऑफेंस. ओके, तो ये हम इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने सेडेंटरी लिविंग पहले ही बात कर चुके हैं. और अब जब जो है सरप्लस सरप्लस होगा, एक बात थोड़ी सी और यहाँ पे समझते हैं कि मान लो उस गांव में 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों में 25 लोग काफ़ी हैं जो इतना खाना उगा लें कि 100 लोग खा सकें. ओके, तो अभी 75 फ्री हैं, 75 फ्री हैं गाँव में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, इस खेती के अलावा कुछ करने के लिए. और जब ये 75 लोग खाली हैं तो इनके दिमाग में कुछ कुछ खुराफात आएगी कि लाओ मिट्टी का कुछ बना लें, लाओ कुछ बीड्स अगर मिल गई तो कुछ बना लें, ऑस्ट्रिच शेल्स मिल गई तो कुछ इसमें जो है कर लें. तो ये जो कुछ खेल खेलेंगे बाकी के 75 लोग, उससे बहुत सारी आर्ट डेवलप होगी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, प्लस ये जो चीज़ें डेवलप होंगी ये प्रोडक्ट हो जाएगा किसी और को ट्रेड करने के लिए. आपने कॉटन का कुछ बनाया तो वो आप किसी दूसरे गाँव में ले जाके बेच सकते हो, और एक बार ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि लोगों को रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, जिसके पास जो रिसोर्स है वो दूसरी जगह जाके बेच सकता है. और एक बार जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो प्रॉस्पैरिटी आने लगेगी, और इसके बाद ही उस ट्रेडिंग की वजह से, प्रॉस्पैरिटी की वजह से बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनेंगी. ओके, पावर सेंटर्स बनाना स्टार्ट होंगे. ओके, तो सेटल लाइफ की मैं बात कर ली, जैसे हमने बुर्जा होम में पिट हाउसेज वगैरह मिले हैं, हमको जो है भट्टियाँ मिली हैं अंदर, इनडोर और आउटडोर दोनों, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप जो है बाहर भी खाना पका सकते हो. ठीक है, तो हमें मोर्टार्स और पसल्स मिले हैं, भट्टी वगैरह भी मिली है. ओके, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ तो हमने क्या बात कर ली, हमने अब तक जितनी भी लिथिक एज है जिसमें पत्थर इस्तेमाल हो रहा है वो हमने बात खत्म कर ली है लिथिक तक. ओके, अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, क्योंकि जब तक हमको ये नॉलेज नहीं थी, जब तक हमें ये नॉलेज नहीं थी या हमें इनके बारे में नहीं पता था, तो हम क्या सोचते थे कि इस समय हम नोमैडिक रहे होंगे, हमें क्या पता सिविलाइजेशन के बारे में, हमें क्या पता अर्बनाइजेशन के बारे में, हम सोचते हैं कि हम यहाँ आके कहीं मॉडर्नाइज हुए रहे होंगे.
ओके, इस जगह कहीं मॉडर्नाइज हुए होंगे। बट जब हमने ये वाली साइट ढूंढी हड़प्पा वगैरह, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो टाइम है इंडस वैली वाला, आज से 3-3.5 हज़ार साल पहले, ओके 4 हज़ार साल पहले, ऑलमोस्ट 4-4.5 हज़ार साल पहले, पहले भी सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा डेवलप थी, हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे, हम जो ट्रेडिंग किया करते थे जो है पर्शिया से, हमारे यहाँ शिप्स आया करते थे। जब हमको ये बातें पता चलेंगी तो हम बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट वाली बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, हमारी सिविलाइजेशन कभी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, कभी इतनी सिविलाइज, इतनी कल्चरल हुआ करती थी। ओके, तो ये कहानी थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन की। हम बात करेंगे इस लेसन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, सो दिस इज अबाउट मी। तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं लिथिक एजेस की, किस तरह पत्थर ने हमसे दोस्ती निभाई थी और उसके बाद हमने कॉपर ढूंढ लिया था, कॉपर और पत्थर की जो है साथ में हम यूज़ करते थे। उसके बाद जो है सोसाइटी जो थी वो डेवलप होती गई, बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि इंडिया में पहली सिविलाइजेशन जो बनी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम टाइम डिमार्केट करते हैं 2800 से 1800। ये 1000 साल समथिंग का टाइम है। ओके, 2800 से 1800, ईजी टू रिमेंबर। तो ये जो टाइम है ये इंडिया की जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जो हम जो नॉर्मली हमने अब तक नहीं सोचा था कि हम इतने पुराने टाइम में भी इतने सिविलाइज कभी हुआ करते होंगे। ओके, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो वो आर्ट एंड कल्चर ग्रो हुआ होगा, कुछ प्रोडक्ट्स बने होंगे, प्रोडक्ट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई होगी, ट्रेडिंग्स के बाद प्रॉस्पैरिटी वगैरह आई होगी, प्रॉस्पैरिटी से जो है ग्रोथ होती गई और वो एक सिविलाइजेशन बनी। ओके, सो बात करते हैं हड़प्पन स्टोरी की। तो हड़प्पा कहीं यहाँ पे है। ओके, दिस इज हड़प्पा। तो पहला शहर 1920s में, यानी 1920 में हमको पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था कभी। अब तक हम इस बात से अनजान थे कि ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन कभी हुआ करती थी। ओके, तो पहली सिटी हमने हड़प्पा ढूंढी थी और बाद में हमको मोहनजोदारो मिली थी। ओके, तो मोहनजोदारो यहाँ पे है, मोहनजोदारो, और यहाँ पे है हड़प्पा। ओके, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दो बड़े शहर हमको सबसे पहले मिले और हमें ये पता चला कि ये लगभग 2700 BC के आसपास जो है स्टार्ट हुआ था। बट एक बात रह गई है, देखो कोई भी शहर तब डेवलप हो सकता है या बन सकता है जब उसके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस हो। ओके, कोई गांव, आसपास के गांव ऐसे हो, जैसे मान लीजिए आपका, आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आसपास के गांव उस दिल्ली में जो है अपना खाना जो है वेजिटेबल्स, वीट, ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो वो एडिशनल, वो सप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एडिशनल है, अपने खाने के अलावा है। तो वो सरप्लस एग्रीकल्चर है, वो उस शहर को सप्लाई करते हैं, वहाँ के लोग खाना खा पाते हैं, तभी वहाँ के लोग एग्रीकल्चर ना करके कुछ और काम कर सकते हैं, इकोनॉमी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्लैक स्मिथ हो सकते हैं, जौहरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर से खाने की सप्लाई आ रही है। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सिविलाइजेशन को ग्रो करने में। ओके, इवन टुडे इट्स हैपनिंग। ओके, तो हड़प्पन स्टोरी 73 से 80 और आगे जाके हमको जो है क्या पता चलता है, जो अभी रिसेंट है 1973 से 1980 में मेहरगढ़ में थोड़े से एक्सकेवेशन हुए थे। ओके, तो दिस इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ में थोड़ी और खुदाई हुई और हमको पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है, पहले हमको क्या लगता है, पहले हमको पता नहीं था कि वो सीक्वेंस क्या था, कैसे शुरू हुआ था। ओके, तो दो सीक्वेंसेस हैं, एक की अभी बात कर रहे हैं, दूसरी की अभी बात करते हैं। ओके, तो मेहरगढ़ में सीक्वेंसेस ऑफ ऑक्यूपेशंस था कि हाँ, पहले जो है पॉटरी से स्टार्ट शायद हुआ रहा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रोंज पे कुछ कुछ बनाना स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसके बाद जो है शायद ट्रेडिंग स्टार्ट हुई या और भी जो ऑक्यूपेशंस थे वो धीरे धीरे स्टार्ट हुए। ठीक है, पर ये जो स्प्रेड हुआ है सिविलाइजेशन का, ये जो स्प्रेड हुआ है सिविलाइजेशन का, वो कहीं यहाँ चोलिस्तान साइड से स्टार्ट हुआ है और फिर वो फैला है। ओके, जैसे कि बात करते हैं कि ये यहाँ कहीं हाकरा प्लेस में स्टार्ट होता है और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैलता है, नीचे जो है कोस्टल एरियाज में आता है और इस साइड में ये अर्बन सेंटर्स क्रिएट होते हैं। तो जो हाकरा प्लेन्स है, एक्चुअली जो चोलिस्तान यहाँ पे है, चोलिस्तान से ये जो है अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, इस साइड भी अर्बनाइजेशन हो जाता है, इधर इस साइड आता है और फिर ऊपर की साइड भी मूव करता है, तो इस तरह से अर्बनाइज होता जाता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अफगानिस्तान में क्या है कि एक छोटी सी साइड है
शोरतुघई, शोरतुघई एक ट्रेडिंग कॉलोनी रही होगी है ना, ये कनेक्ट करती होगी इसको कहीं पर्शिया वर्शिया से या सेंट्रल ईस्ट से जो कनेक्ट कर रही होगी, तो शोरतुघई एक जो है फेमस साइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मकरान कोस्ट ना, मकरान कोस्ट अपने आप में एक सवाल हो सकता है। ओके, तो मकरान कोस्ट बेसिकली ये जो कोस्टल एरिया है इसको मकरान कोस्ट कहा जाता है। ओके, और इसमें अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करें तो सुक्ता जिंदौर हैं और सुटका को है, खैरिया कॉट है, तो ये जो साइट है यहाँ से वो शिप्स वगैरह आती थी जो मेसोपोटामिया वगैरह जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी उनसे कनेक्ट करती थी, वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह आती थी, पर्शिया से सामान आता था, पर्शिया से सामान जाता था, कॉटन वगैरह में हम ट्रेड करते थे, तो ये इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से शिप आके वो इधर लोथल लोथल वगैरह में भी जाती थी है ना, तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोर्ट हुआ करता था। तो बात करते हैं कि ये जो साइट्स, ये जो शहर हमको मिले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा देख के इनको लगता है कि बहुत प्लानिंग के साथ इनको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है कुछ गांव रहे होंगे और फिर डेवलप होते गए उसी जगह पे और जो है वो शहर बन गए, नहीं ऐसा नहीं था, प्री प्लान्ड बसाया टाइप का गया था। जैसे चंडीगढ़ आप देखते हो तो चंडीगढ़ में प्लानिंग है, जैसे ग्रिड कटिंग है, ग्रिड के हिसाब से जो है शहर को बनाया गया है। या आप कभी अगर आप मैप देखो या अभी आप मैप खोलो, ग्रेटर नोएडा का मैप देखो, तो ग्रेटर नोएडा को आप देखोगे कि वो स्क्वायर्स में काट काट के बनाया गया है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है। उसी तरह यहाँ के जो शहर हैं, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, उनमें भी एक कॉमन पैटर्न दिखता है, कॉमन प्लानिंग दिखती है, जो ऐसा नहीं है कि लोग रहना रह रहे थे और कुछ बनता चला गया। ओके, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो बेसिकली कोई भी शहर इंडस वैली का दो पार्ट्स में होता है, एक वेस्टर्न पार्ट है जो कि छोटा है मगर बड़ा है, और वहां पे बना हुआ है सिटाडेल यानी किला, तो कुछ फोर्टिफाइड टाइप का है, किला टाइप का है वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट जो है बड़ा है, थोड़ा नीचे है, लोअर टाउन है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करो तो जो सिटाडेल होगा, जहाँ पे किला होगा, दीवारें होंगी ऊंची ऊंची, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो मेन शहर होगा, पावर सेंटर होगा, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे। बाकी जो लोअर साइड है, नीचे की तरफ है, लोअर टाउन है, वहाँ पे थोड़ा जो है लोअर स्टेटा के लोग होंगे, वो लोअर टाउन में रहा करते होंगे। ओके, तो ये यूजुअल जो है हमें हर शहर में देखने को मिलता है कि ये सिटाडेल जो है किला है, एक पार्ट में किला है और दूसरा पार्ट कॉमन लोगों के लिए। ओके, दूसरी बात, वॉल्स, दीवारें। हम आज अपने घरों में जो है ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं, वो मिट्टी के बेक्ड ब्रिक्स हैं है ना। मिट्टी को पहले जो है खूब भूना जाता है, मिट्टी का पहले वो बनाया जाता है, चौकोर सा क्यूब बनाया जाता है, फिर उसको भूना जाता है। तो वो उनके वॉल्स, हम ये नहीं सोच सकते कि आज 4 साल पहले भी यही मिट्टी, यही ईंटा यूज़ होता था, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो वो बेक्ड ब्रिक वॉल्स आज से 4 साल पहले भी यूज़ हो रहे हैं, 2720 में इस्तेमाल हो रहा है वो, ठीक है। और इंटरलॉकिंग पैटर्न सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपने अपने घर में दीवारें चुनती देखी होंगी कि ईंटें आपस में इंटरलॉक करते हैं, तो वैसा ही इंटरलॉकिंग पैटर्न उनकी दीवारों में भी है। देन एक मोहनजोदारो में हमने ग्रेट बात देखा है। ओके, अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उस सॉन्ग, अगर एटलीस्ट सॉन्ग भी देखा हुआ था, तो एक पानी वाला स्विमिंग पूल टाइप का है जिसमें जो एक्ट्रेस है वो उतर रही है, तो ये वही वाला पूल है, इसी को देख के उसको बनाया गया है। उसमें ब्रिक्ड लाइनिंग है, जो अंदर जो दीवारें हैं या जो फ्लोर है वो ब्रिक से है, प्लास्टर कर रखा है ताकि पानी उसमें नीचे परकुलेट ना करे, और उस प्लास्टर में भी जो है टार वगैरह यूज़ कर रखा है ताकि वाटर टाइट रहे। ओके, दो साइड से उसमें सीढ़ियाँ आ रही हैं और किनारे किनारे रूम्स भी हैं, तो मूवी में भी किनारे किनारे रूम्स थे, याद करिए आप, ऋतिक रोशन जो है एक रूम में जाता है। ओके, तो वो यहीं से जो है कॉपी किया गया है, मोहनजोदारो, ग्रेट बात। इसका क्या पर्पस था, लोग इसमें नहाते थे कि नहीं नहाते थे, वो हमें नहीं पता। ओके, वो क्योंकि कुछ लिखा नहीं गया तो हम कैसे बताएंगे इसमें क्या किया जाता होगा, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ग्रेट बात फिलहाल मोहनजोदारो में है यहाँ पे। ओके, उसी तरह लोथल और कालीबंगन। ओके, तो लोथल यहाँ पे है और कालीबंगन ऊपर है। ओके, तो लोथल और कालीबंगन यहाँ पे भी हमको जो है भट्टियाँ वगैरह मिली हैं, हो सकता है वहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह भी, जानवरों वगैरह को भी मारा जाता हो, पॉसिबल है। प्लस हमें स्टोर हाउसेज मिलते हैं इन शहरों में, कुछ ऐसे घर जहाँ पे जो है अनाज वगैरह स्टोर किया जाता हो, खाना स्टोर किया जाता हो, क्योंकि जो गांव वगैरह से जो खाना आ रहा है, जो हमने कहा सरप्लस एग्रीकल्चर होना चाहिए, सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, तो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, बड़े बड़े स्टोर हाउसेज यहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। ये हमको वहाँ पे मिला है, जो सबसे बड़ा साइन है सिविलाइजेशन का, कि हाँ वो सिविलाइजेशन में वो स्टोरेज होना चाहिए फूड का, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनते हैं थोड़ी सी। घर,
एक से दो मंजिल के घर, ओके, हम शायद नॉर्मली ये सोच रहे होंगे कि ये इतने पुराने टाइम में शायद लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, नहीं, ये एक से दो स्टोरी घर में रहते थे जिसमें बीच में एक आंगन होता था, उसके किनारे किनारे रूम होते थे, एक सेपरेट नहाने का एरिया होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी, ओके, तो ऐसे घर, और वो भी पैटर्न आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लॉट काटे हुए किसी ने। ड्रेन्स, देखो ड्रेन क्या है कि ड्रेन आपका वेल ड्रेन्ड, वेल ड्रेनेज पैटर्न तभी बन सकता है जब वो शहर बसने से पहले प्लान्ड हो। तो क्या है कि कवर्ड ड्रेन्स मिले हैं, वो भी स्ट्रेट लेंथ में, स्ट्रेट जो जो सड़कें हैं उसके बीच में या किनारे जहाँ कवर्ड नालियाँ हमको मिलती हैं, प्लस वो नालियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ग्रिड लॉकिंग है उसमें, ओके, उसमें इंस्पेक्शन होल्स हैं कि कभी अगर कुछ चोक वोक हो जाए तो आप उसे देख सको, उस पर जेंटल स्लोप है ताकि पानी रुके नहीं, ओके, और वो जो घरों के ड्रेन है वो उनसे कनेक्टेड है, जैसे आज हमारी सीवर लाइंस वगैरह होती हैं, जो ड्रेनेज ड्रेन सिस्टम होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है और कहीं नाले वाले में फ्लो हो रहा होता है, बिल्कुल सिमिलर सिस्टम उस समय भी प्लान्ड था जो बना हुआ था, ओके। अगर सड़कों की बात करें तो प्लान्ड अलॉन्ग विद ड्रेन्स एंड हाउसेज, तो वो जो नालियाँ हैं, जो घर हैं और ड्रेन थे, ये तीनों चीज़ें साथ में प्लान करी गई। ऐसा नहीं है कि पहले घर बना लिए गए बाद में नालियाँ सड़कें बनी, नहीं, वो पहले सड़कें भी, सड़कें, नालियाँ और घर तीनों एक साथ प्लान किया गया, तो ये बहुत ज़्यादा प्लान्ड सिटी है, ओके। शहर की बात करते हैं, और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सब शायद है क्योंकि हमने किसी ने शहर देखा नहीं है, ठीक है, वहाँ की चीज़ों से हम गेस कर रहे हैं, तो हर चीज़ में शायद समझो, तो शायद इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतनी सारी चीज़ें थी, तो बहुत ही बिजी लाइफ रही होगी, जो वहाँ के रूलर्स रहे होंगे उन्होंने प्लान करी होगी सिटी, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है, ओके। वहाँ के जो लोग थे जो है वो रखे जाते होंगे कि आप रिसोर्सेज लेके आओ, अगर खाना कम है तो खाना लेके आओ, सोना कम है तो कहीं से सोना लेके आओ, कॉपर कम है तो कहीं से कॉपर लेके आओ, ओके, तो और जो प्रेशियस आइटम, जो बहुत कीमती आइटम थे वो रूलर्स जनरली अपने लिए रखते होंगे, ओके, स्क्राइब्स रखे जाते होंगे, स्क्राइब्स जो कि लिख सकें ताकि जो है सील वगैरह बनाई जा सके, और अगर कुछ और लिखना हो तो वो लिखा जा सके ना, सील बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सील है, क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, मान लो यहाँ से आप ईरान, पर्शिया आप सामान भेज रहे हो, तो उस पर सील लगा के भेजोगे कि हाँ हमने यहाँ से पैकिंग कर दी है और उस पैकिंग के ऊपर ये सील है, अगर ये सील टूटी हुई मिली इसका मतलब कि बीच में सामान खोला गया है, ओके, तो वो हर ट्रेडर की, इंडिया में किसी ट्रेडर की अपनी सील होगी, पर्शियन सील अलग होगी, ओके, तो वो वहाँ से मार्क करके भेजते थे कि ये सील्ड है, इवन आज भी पोस्ट ऑफिस में वो ब्लैक कलर की आपने सील देखी होगी जिसके ऊपर वो मोहर मारते हैं, ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, उस समय भी यूज़ होता था। क्राफ्ट्समैन जो कारीगर थे वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे घरों पे या फिर वर्कशॉप में, और लोग बहुत दूर दूर ट्रैवल किया करते थे, ठीक है, टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं, कि टेराकोटा टॉयज़ एक्चुअली दो चीज़ें दिखाता है, एक तो टॉयज़ वाइज बनते थे उस समय, ये भी काम होता था बच्चों के लिए, स्पेशली एक अलग सेक्शन था, लोगों के पास इतना टाइम था कि बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाए, एक बात ये हो गई, दूसरी बात वो खिलौने उसी चीज़ के बनते होंगे जो चीज़ें उस समय एग्जिस्ट करती होंगी, ओके, तो अगर हमें कोई कार्ट मिलती है उस समय की खिलौने की, इसका मतलब उस समय कार्ट हुआ करती होंगी, अगर घोड़ा मिलता है यानी लोगों ने उस समय घोड़ा देखा था तभी उसका खिलौना बना, ओके, कोई डांसर अगर मिलती है ब्रोंज की तो हमें उससे पता चलता है कि हाँ उस समय डांस वांस कल्चर वल्चर था, ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने जो इन सब चीज़ों से डिड्यूस करी हुई है, जैसे कि इसको दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इस बंदे को देखिए आप जो है इसकी बियर्ड देखिए, आप जो है डिज़ाइन देखिए, ये बियर्ड वगैरह आज भी इतनी फैशनेबल नहीं है जितनी इस समय इसका फैशन आप देख सकते हो, यानी लोग उस समय सिंपल, ऐसा नहीं कि जो है जस्ट देवर सर्वाइविंग या फिर स्ट्रगलिंग, नो, बहुत मज़े में रह रहे थे, और फैशन वगैरह पूरा, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कपड़े की, ओके, तो प्रॉपर जो है तरीके से लोग रह रहे थे, सिविलाइजेशन बहुत चरम सीमा पे कह सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा होगा, ओके। फिर नए नए क्राफ्ट उस समय भी बने रहे होंगे, जैसे कि स्टोन शेल या फिर मेटल वगैरह से कुछ काम करना, कॉपर एंड ब्रोंज के वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, टूल्स, ये सब बनाए जाते होंगे, गोल्ड और सिल्वर जो है उस समय भी महंगा रहा होगा, प्रेशियस रहा होगा क्योंकि कम है, ओके, तो उसके भी ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, और जनरली ये अमीर लोगों के पास ही रहता होगा, ओके। नाउ वेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट जो है वो चर्ट एक मटेरियल है, चर्ट का वेट होता था और उससे प्रेशर से स्टोन्स वगैरह, तो वेट होना किसी भी इकोनॉमी में ये दर्शाता है कि हाँ स्टैंडर्डाइजेशन है, ओके, एक जो है पर्टिकुलर वेट होता है, एक किलो का बाट है तो हर जगह एक किलो का है, आप कहीं भी नाप लो, तो वेट्स उस समय के वेट्स हमको मिले हैं, हमको बीड्स मिली हैं, कोई कार्निलियन मटेरियल है, बीड बहुत खूबसूरत कुछ लाल पत्थर का होता है, ओके, तो उसे जो है पॉलिश करके कुछ बीड्स वगैरह बना के गले में पहनने के लिए, तो फैशन काफ़ी चरम सीमा पे है, इवन हम बाद में बात करेंगे लिपस्टिक वगैरह भी मिली है हमको इस टाइम की, ठीक है, स्टोन के ब्लेड्स उस समय भी चला करते थे, और एम्ब्रॉयडरी क्लोथ, जैसे मैंने कहा कि इसकी क्लोथ में आप कढ़ाई देखो तो काफ़ी जो है काफ़ी प्रॉस्पैरिटी है, काफ़ी लग्जरी है,
सीज जनरली पत्थरों की बनाई जाती थी और रेक्टेंगुलर होती थी, ओके, और उसके ऊपर कोई ना कोई जानवर बनाया जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि जो जहाँ से हम डेवलप होके आ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी ग्रो होके होते हुए आ रही है, तो उस समय जानवरों की बहुत वैल्यू रही होगी, और यही रीज़न है कि जानवरों को एज अ ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, उस समय की पॉटरी में ब्लैक डिज़ाइन होती थी, मुझे ब्लैक डिज़ाइन वाली पॉटरी मिली नहीं, तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन होगी पॉटरी के ऊपर। कॉटन, मेहरगढ़ में हमको कॉटन मिला है अराउंड 5000 BC, और जो है ये जो क्लोथ है किसी सिल्वर वास में मोहन जोदाड़ों में मिला है। उस समय की स्पिंडल वर्ल्स थे टेराकोटा और फियांसे के, स्पिंडल वर्ल्स जिसमें वीविंग वगैरह हो सके, और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो हम हर काम में देखें तो हर काम के लिए एक पर्टिकुलर बंदा कारीगर रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा इस एरा में स्पेशलाइजेशन रहा होगा, जो कि ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा सिविलाइज हैं वो। ओके, तो इसी तरह रॉ मटेरियल जो है कॉपर राजस्थान वगैरह से आता होगा, टिन अफगानिस्तान ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से, और प्रेशियस स्टोन्स गुजरात ईरान अफगानिस्तान से। फूड सप्लाई की हम बात कर चुके हैं कि फूड सप्लाई आसपास के गांव वगैरह से आती होगी, जिसकी वजह से वो शहर डेवलप हो पा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स की। हमने अब तक जनरल बात करी है कि हड़प्पा किस तरह का शहर रहा होगा, वो हवा समझने की कोशिश करिए। अगले लेसन में बात करेंगे इन टाउन्स की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। तो इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे और बात कर चुके थे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं उसके शहरों के बारे में। ओके, तो दिस इज अबाउट मी। ओके, तो इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स जैसे हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा, चनोदारो, कालीबंगन, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या था इनमें। ओके, तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये एरिया जो था ये हमारा इंडस वैली का पूरा एरिया है। ओके, तो एक एक करके हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो यहाँ पे है, ये पॉइंट जो है, ओके, ये पॉइंट मोहनजोदारो है। तो सबसे बड़ी साइट जो है वो मोहनजोदारो है। ठीक है, एक यहाँ पे ग्रेट बात है, इसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ग्रेट बात। फिर ग्रेट ग्रेनरी है, तो जैसे मैंने कहा कि बड़ा शहर होगा तो उसको ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना होगा, तो एक बड़े स्टोरेज की ज़रूरत है। ओके, जैसे आजकल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट है, तो उसी तरह का कुछ है कि वहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी है। फिर एक मल्टीपिलर्ड असेंबली हॉल, जब इतना बड़ा शहर होगा तो कहीं पे ऐसी जगह होगी जहाँ राजा या जो भी रूलर उस समय होता है, वो रूलर उस समय लोगों की मीटिंग लेगा या मिलेंगे वहाँ पे, तो एक असेंबली हॉल होगा। उस असेंबली हॉल में कई सारे पिलर्स हैं। ओके, एक डांसर की जो है ब्रॉन्ज इमेज है। ओके, न्यूड वुमेन डांसर है, इसकी ब्रॉन्ज इमेज है, ये रेस्ट कर रही है आफ्टर द डांस। ओके, उसी तरह और भी जो है भट्टियाँ मिली हैं हमको, जिसमें जो है ईंटें बनाए जाते थे। ओके, ये पशुपतिनाथ की सीव मिली है हमको। ओके, फिर आगे बात बढ़ाते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा, तो हड़प्पा यहाँ पे, इस जगह पे हड़प्पा है, आप देख सकते हो। ओके, तो हड़प्पा पहली साइट है 1921 में मिली थी। यहाँ भी हमको दो रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज, तो छः ग्रेनरी की हमें दो रो मिली हुई हैं। ओके, वहाँ पे वर्किंग फ्लोर है जहाँ पे ये गेहूँ वेहूँ बीटा पीटा जाता होगा, काम किया जाता होगा। उसी तरह बैरक्स हैं, बैरक्स में जहाँ पे लेबर्स वगैरह रहा करते थे। डाइस मिला है, यानी उस समय भी जो है ये शतरंज का खेल हुआ करता रहा होगा, सॉरी शतरंज नहीं, चौसर आप कह सकते हो, या समथिंग लाइक लूडो। ओके, तो और भी चीज़ें हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रहा हूँ। ओके, चनुदारो की बात करते हैं। चनुदारो जैसा कि मैंने कहा था कि जहाँ पे कई सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन हमको मिला है। ओके, तो ये ऐसी इंडस सिटी है, पहली इंडस सिटी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। ओके, तो अगर यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है तो यहीं पे प्लानिंग हुई होगी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कह सकते हैं, शायद यहीं पे प्लानिंग हुई होगी, और इसके बाद जो यहाँ से, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ से प्रपोगेट हुआ है, तो प्रपोगेशन अगर यहाँ से हुआ है तो यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिटाडेल शायद ना हो। यहाँ पे इम्पोर्ट मिला है, यानी जो चीज़ हमको दर्शाता है कि यहाँ स्क्रिप्ट रही होगी, लोग लिखते रहे होंगे। लिपस्टिक मिली, मैंने कहा था ना लिपस्टिक मिली है, फैशन वगैरह उस समय पीक पे हुआ करता था। फिर हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट मिला है। ओके, नहीं, ये जो है ब्रॉन्ज टॉय कार्ट है, एक टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट मिला है, यानी उस समय बुलक कार्ट भी हुआ करती रही होंगी। ओके, आगे बात बढ़ाते हैं, कालीबंगन की बात करते हैं। ओके, कालीबंगन में क्या है कि हमको एक खेत मिला है जोता हुआ, या ऐसा कह लो कि उसमें हमें ऐसे फरोज मिले हैं, ऐसे गड्ढे मिले हैं, जिन्हें देख के हमको ये पता चलता है कि उस समय जुताई वगैरह जो है खेतों की जुताई होती थी। ओके, वहीं पे हमें ऐसा भी कुछ मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि उस समय लकड़ी के हल हुआ करते होंगे। ओके, तो ये कालीबंगन से एसोसिएटेड है, और कालीबंगन मैं आपको दिखा दूँ, कालीबंगन यहाँ पे है, ये छोटा सा कालीबंगन है। ओके, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील मिली है। ओके, जो इस सिलेंडर मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील अगर यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब कि क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही होगी, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रेड होके मेसोपोटामिया जाता होगा, या कुछ मेसोपोटामिया से ट्रेड होके यहाँ आता होगा। यही रीज़न है कि हमको यहाँ पे सील मिल रही है।
फायर आल्टर्स मिल रहे हैं, भट्टियाँ मिली हैं हमको, ओके। तो ये कालीबंगन में था, ओके। उसी तरह सुरकोटड़ा, ओके, सुरकोटड़ा हम देखें तो जो है ये यहाँ पे सुरकोटड़ा है, ओके, और बहुत बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। यहाँ पे घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं। तो इसके पहले घोड़ों की हड्डियों की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने एक टर्म सुना होगा अरबी घोड़े, ओके। तो जो घोड़े होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल एशिया या फिर अरब इन सब जो है एरियाज़ के घोड़े जो होते हैं वो ज़्यादा जो है अच्छे होते हैं, या मेन कह सकते हैं कि ब्रीड वहीं पे होती है, ओके। तो अगर यहाँ पे सुरकोटड़ा में हमको घोड़ों की हड्डी मिल रही है, डैट मीन्स उस समय भी अरब से घोड़े इम्पोर्ट किए जाते रहेंगे, ओके। जो घोड़े उस समय आ रहे हैं, मतलब इंडिया में घोड़े उस समय भी लोग जानते थे, यूज़ करते थे और इवन इम्पोर्ट भी करते थे, ठीक है। ओवल ग्रेव्स मिली है हमको, ओवल ग्रेव्स कैरेक्टरिस्टिक है सुरकोटड़ा की। और सुरकोटड़ा भी शायद एक दूसरी पोर्ट सिटी रही होगी, जैसे कि लोथल लोथल जैसे पोर्ट सिटी रही होगी, वैसे ही सुरकोटड़ा पोर्ट सिटी थी शायद, ओके। आगे बात बढ़ाते हैं, बात करते हैं ढोलावीरा की, ओके। तो ढोलावीरा के बारे में जो है बात करें अगर हम, तो ये खादर भाइट रण ऑफ कच्छ में जो है ये लोकेटेड है ढोलावीरा, ओके। तो ये देख सकते हो आप, रण ऑफ कच्छ के पास ढोलावीरा है। यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉयल है, तो जाहिर सी बात है अगर फर्टाइल सॉयल है तो खेती वेती यहाँ पे होती होगी, जब खेती होती होगी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता होगा। प्लस ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, और जो है इसके किनारे किनारे बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें भी हैं, ओके। बड़े बड़े गेटवेज हैं एंट्रेंस के लिए, यानी आप सोच सकते हो कि जो है काफ़ी बड़ा शहर रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर रहा होगा उस समय। और बड़े एरियाज हैं जहाँ पे कोई सेरेमनीज करी जा सकती है, शादी करी जा सकती है, कोई जो है स्पीच अगर राजा देना चाहे तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो बड़े बड़े ओपन एरिया हैं जहाँ पे सेरेमनीज होती होगी। और यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट, सफ़ेद पत्थर के ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ये यहाँ का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ढोलावीरा का। तो ढोलावीरा भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये भी देख सकते हो। ढोलावीरा याद रखने वाली बात है, रण ऑफ कच्छ के पास है, ओके। आखिरी साइट की बात करने जा रहे हैं लोथल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइट। ये साबरमती किनारे स्थित है गल्फ ऑफ खंबत में, तो जरा लोथल मार्क करते हैं, ये है लोथल, ओके। तो गल्फ ऑफ खंबत में ये डॉकयार्ड था, ओके। उस समय जब अगर आप नॉर्मली ये हमको हड़प्पा ना मिला होता, तो जब हम ये सोचते थे कि आज से अगर कोई पूछता आपसे कि 4700 पहले आदमी क्या करता रहा होगा, तो आप ये सोचते हो कि भेड़ चराता रहा होगा, गाय गाय वाय पाली होगी, गाय चरा रहा होगा, है ना। लेकिन असल में उस समय डॉकयार्ड की बात हो रही है, उतने पुराने टाइम में पोर्ट्स हुआ करते थे, वहाँ पर शिप्स आती थी, ओके। और अगर मैं लोथल के डॉकयार्ड की बात करूँ, तो लोथल का डॉकयार्ड ऐसा था कि वो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। उसमें जैसे आज के जो है पोर्ट्स में गेट्स होती हैं, गेट से पानी अंदर आता है, और जब पानी अंदर आके एक लेवल बनाते हैं उसके अंदर शिप आके रखा जाता है, तो सेफ रहता है बाहर की टाइड से, उस तरह का डॉकयार्ड था लोथल। प्लस ये सब तो था ही, वहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी आसपास अवेलेबल थे, प्लस वहाँ पे स्टोन शेल और मेटल का जो है काम भी हुआ करता था। ऑफकोर्स जब डॉकयार्ड होगा तो स्टोर हाउस तो वहाँ पे होगा ही होगा, जब ये डॉकयार्ड होगा तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो बाहर की सीज जो है वहाँ पे पाई जाएंगी। प्लस यहाँ पे कई जगह डबल बरियाई, हस्बैंड वाइफ या एक लेडी और एक मैन दोनों को साथ में जो है दफनाया हुआ है, ऐसी भी साइट हमको मिलती है लोथल में। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट दिस इज डॉकयार्ड एट लोथल, प्रोबेबल डॉकयार्ड ऑफ लोथल। तो यहाँ पे जो है शिप मेन उससे अंदर आते थे, ये ठीक समुंदर किनारे नहीं है, आप देख सकते हो समुंदर नहीं है, बट वो गेट से पानी अंदर लाके इससे पानी भरा जाता था और तब जहाज़ अंदर आया करते थे। तो अपने आप में टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सिविलाइज्ड है, तो हमारी सोच से अनएक्सपेक्टेड है, ओके। तो इसीलिए जो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कही जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंपॉर्टेंट साइड जान ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अब थोड़ी एक मिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई 1800 पे, जैसे मैंने कहा 2800 से 1800 पे सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, अराउंड 1800 BC ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद वो सील कहीं नहीं मिली, वो जो सील्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो कभी दोबारा यूज़ नहीं हुई, वो जो वेट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कभी दोबारा यूज़ नहीं, वो कहाँ गए, वो लोग कहाँ गायब हो गए। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, जब इतने समझदार लोग हैं, इतने अपनी जो है सिविलाइजेशन की इतनी पीक पर जा चुके हैं, ईरान से ट्रेडिंग हो रही है, तो ये एक्चुअली लोग गायब कहाँ हो गए, ये गांव वगैरह, ये सारे शहर, बड़े बड़े शहर ये कहाँ लुप्त हो गए, ओके। तो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी ख़त्म हो गया, और जो है मोहनजोदारो में तो जो है पूरा गार्बेज पाइल्ड अप हो गया, और उसके बाद जो घर बने वो तो बिल्कुल भी उस जो है कल्चर से रिलेटेड जैसे नहीं थे, ओके। और धीरे धीरे सिविलाइजेशन इधर से ईस्टवर्ड मूव करने लगी, ओके। और 300 साल में क्या हुआ बेसिकली,
जो अगले शहर, जो अगला शहर हमको जो प्रूफ मिलता है, एक बार कुछ भी लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ के बारे में, ओके हमने कहा था गैस वर्क किया है, ओके तो अगला जो हमें प्रूफ मिलता है वो प्रूफ हमको मिलता है 1500 BC से। 1500 BC में हमको पता चलता है कि सिविलाइजेशन थोड़ी सी गंगा की तरफ, इंडस से गंगा की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, ओके तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि शायद बाढ़ बहुत आई होगी, है ना, या फिर सूखा पड़ गया होगा, लोग मर गए होंगे, या किसी जो है किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ये सारे लोग मर गए, ऐसी भी थ्योरी यूट्यूब पे आप देखो तो मिलेगी, ऐसी भी आपको थ्योरी मिलने सुनने को मिलेगी, भगवान इंद्र नाराज़ हो गए थे, प्रकट हुए और सबको मार दिया, तो दीज आर ऑल थ्योरीज, ठीक है। क्या हुआ था एक्चुअली अभी हिस्टोरिकली या एज अ एविडेंस हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ओके तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो 300 साल हमारा जो है टाइम लॉस्ट है, हमको नहीं पता, उसके आगे की स्टोरी पता है तो वहाँ से शुरू करेंगे। तो अगला जो शहर इस सिविलाइजेशन के, जो 2700 BC में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, अगला शहर हमको मिलता है लगभग 2000 साल बाद, 500 BC में हमको दोबारा शहर बनने स्टार्ट मिलते हैं, नए नए शहर मिलेंगे, वो भी इस साइड में मिलेंगे, ओके तो वो कहानी हम थोड़ा सा बाद जानेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हमें समझना है 1500 से 1000 में क्या हुआ, 1000 से 500 में क्या हुआ। तो ऋग्वेदी कह रहा 1500 से 1000 और यजुर्वेदी कह रहा 1000 से 500, ये 1000 साल की कहानी थोड़ा हम नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और जो हम बात कर रहे हैं अब तक, हम ये सारी बातें करते हुए हम आ चुके हैं 1800 तक ख़त्म कर दिया था, 300 साल और हमें पता ही नहीं है, तो अब बात करनी है हमको ऋग्वेदी कह रहा 1500 से 1000 और 1000 से 500 लेटर वेदी कह रहा, इसको थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, 1000 साल पढ़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यूस है, यानी यहाँ से ये थ्रेड पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है, और ये काफ़ी आसान है, ओके तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक कैसे पहुँचे, लेटर वैदिक से महाजनपद और फिर मौर्य वगैरह वगैरह आगे जाएंगे, ओके सो थोड़ा जुड़े रहिए और सीखते रहिए, एंड प्लीज़ डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।